अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट्स ऑलराउंडर्स चैनल। आज हमारे पास टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है सेकंड ईयर का आइसोमर्स के हवाले से। तो आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो सिंपल हमारे पास एंटिटीज में मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर हम उसकी चेन वगैरह हम बनाते बनाते तो हमारे पास टाइम ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास सिंपल ट्रिक है जिसके ज़रिए आप इजीली है जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। सबसे पहले आइसोमर्स होता क्या है, तो आइसोमर्स मतलब सेम उसकी क्या हो, सेम फार्मूला बट डिफरेंट उसकी जो स्ट्रक्चर। तो हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स हैं उसके हिसाब से जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके आइसोमर्स होते हैं। तो कैसे हम फाइंड आउट, तो एल्केन के लिए हमारे पास जो ट्रिक है उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी केमिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस हैं लेक्चर्स हैं तो वो आप आसानी से जो है फाइंड आउट कर सकें और मिस ना करें। तो सिंपल एल्केन के लिए अगर हमारे पास जो शॉर्टकट फार्मूला है वो है 2n-1, यहाँ पर सॉरी -4, यहाँ पर प्लस हमारे पास क्या है 1। इस फार्मूला के ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, और ये एप्लीकेबल है इनकी वैल्यू जो हमारे पास है 4 से लेकर 7 तक, मींस कार्बन 4 से लेकर 7 तक ये ट्रिक अवेलेबल है, क्लोज पे एप्लीकेबल है, तो इस पर लग सकती है। उसके अलावा जो हमारे पास फॉर C8 है, तो C8 के लिए हमारे पास सिंपली हमें रटा मारना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर +2 है, ये सिर्फ C8 के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पर ये जो फार्मूला है कार्बन 4 से लेकर 7 तक जितने भी हमारे पास है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन के बाद हमारे पास पेंटेन है, हेक्सेन एंड हेप्टेन के लिए ये ट्रिक अप्लीकेबल है, क्योंकि बाकी जो हमारे पास मीथेन है या इथेन है, प्रोपेन, उनके कोई भी आइसोमर्स न हो तो वो खुद ही के लिए कोई आइसोमर्स नहीं होता है। तो सिंपली हमारे जो एल्केन में जो आइसोमर्स स्टार्ट हो रही है C4 से लेकर अबव तक, तो ये फार्मूला जो हमारे पास ऊपर मौजूद है ये फार्मूला अप्लीकेबल होती है इसके लिए C4 से लेकर C7 तक, ठीक है। और इसकी हम बाइकर से घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यह सही है या गलत है। तो ये हमारे पास है एल्केन के लिए ट्रिक, इसके लिए हमारे पास मौजूद है 2n-4+1 और कार्बोनेट के लिए 2n-4+2। उसके अलावा सी हमारे पास 9 है और C10 है, तो उसके लिए ट्रिक तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन उसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, तो जो हमारे पास मौजूद C9 के लिए जो आइसोमर्स होते हैं 35 और C10 के लिए 75, इसके इतने आइसोमर्स होते हैं। ये हमें सिर्फ रिमेंबर करने के बाद बाकी हमारे पास ये ट्रिक अवेलेबल है C4 से लेकर C7 तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एल्कीन, एल्कीन की क्या है जो उस ट्रिक है कि एल्कीन्स में कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो एल्कीन में जो हमारे पास मौजूद है 2 है, एक है फॉर इवन नंबर, इवन नंबर कार्बन्स, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो ट्रिक है फॉर ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स, ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए मौजूद है। फॉर इवन नंबर के लिए हमारे पास मौजूद है 2n-1+1, इवन नंबर जितने C4 है या C6 है या C8 है, तो उनके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है 2n-2+1, तो ये अप्लीकेबल है फॉर इवन के लिए। उसके बाद हमारे पास अगर आर नंबर की बात करें तो आर नंबर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2n-2, तो ये फार्मूला है जो हमारे पास आर नंबर है। आर नंबर में जैसे हमारे पास मौजूद है C3 है या C5 या C7 है, तो इसके लिए हम फार्मूला मौजूद है, तो इसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने उसके आइसोमर्स हो सकते हैं। आप इसकी घर पर प्रैक्टिस करिए, सिंपल मैंने ट्रिक बताइए और घर पर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एल्काइन, तो एल्काइन की एल्काइन में भी जो आइसोमर्स ट्रिक है उसमें भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन और सेकंड है फॉर ऑड नंबर ऑफ कार्बन।
थर्ड नंबर ऑफ कार्बन। तो अल्काइन के लिए ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है फर्स्ट हेवन नंबर ऑफ कार्बन और सेकंड हमारे पास है फॉर ऑड नंबर ऑफ कार्बन। तो हेवन के लिए हमारे पास टू पावर एन माइनस टू एन प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या है माइनस वन। तो ये हमारे पास ट्रिक है फॉर हेवन नंबर, और सेकंड जो हमारे पास ट्रिक है वह टू पावर एन माइनस टू एन। तो ये इसमें अल्काइन्स के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं वो हम फाइंड आउट इन फार्मूला के जरिए कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अल्काइल हैलाइड या कॉइल्स हैं। अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोइल्स। अल्काइल हैलाइड्स के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं और उसके क्या टोटल कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है टू एन पावर माइनस टू। और इसके ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स में उसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोइल्स, नेक्स्ट जो हमारा है उसके कितने आइसोमर्स हैं, उसके लिए हमारे पास ट्रिक मौजूद है। अल्काइल्स की उसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, उनकी क्या ट्रिक्स है, तो वो भी हमारे पास सेम ही है टू टू एन माइनस टू। ये हमारे पास ट्रिक मौजूद है अल्काइल्स के लिए। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो दो इम्पोर्टेंट है, उसमें एक होता है हमारे पास फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसकी फार्मूला क्या है, तो सिंपली उसकी जो फार्मूला है टू यहाँ पर चैरल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, चैरल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, तो वो आप टोटल रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कितने हैं जो है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास जो ट्रिक है फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर टू, उसके ऊपर आपके आपको देखना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। डबल बॉन्ड जितने मौजूद होंगे यहाँ पर आप रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल एंट्री टेस्ट ट्रिक थी जिसमें आप आइसोमर्स कितने होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स।